भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में चीनी सैनिक से लोहा लेते हुए बिहार के सहरसा जिले के आरन गांव के रहने वाले सेना के जवान कुंदन कुमार शहीद हो गए थे, जिसके बाद बिहार सरकार के संकल्प के तहत शहीद कुंदन कुमार की पत्नी बेबी देवी को जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सेवा में ही समूह और तृतीय श्रेणी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर शहीद के पिता ने कहा कि उनका बेटा देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। आज सरकार द्वारा बच्चों के भरण पोषण के लिए उनकी बहू को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी गई। हम कहले चाहे एगो बेटा हमारे कुंदन ने गले बॉर्डर पर शहीद भले के बदला में दू गो पोता है हमारा और रोशन और राणा और सरकार जो कुंदन के पत्नी के लिए नौकरी देती है पढ़ा लिखा करके हम और वो कुंदन के बदला में सहित हम भेजेंगे बॉर्डर पर बदला लेने के लिए। किसको भेजिएगा? और रोहन राणा के और रोशन के दोनों पोता है दो पोता है। सरकार का जो संकल्प था कि जो शहीद हुए थे गलवान वैली जो जंगा बॉर्डर पे वो शहीद के एक योग्य फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी देना था, उसी प्रावधान के तहत संकल्प निकला था। संकल्प के तहत आज हम लोग स्थापना समिति की बैठक किए हैं और शहीद कुंदन जी की धर्मपत्नी श्री देवी कुमारी का कलेक्ट्रेट सेवा में ही क्लास 3 समूह के पद पर पदस्थापित किया।